कहते हैं कि जब कोई नया मौसम चेंज होता है तो आप बीमार होने लगते हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो 5:30 हो चुके हैं और आज अभी मेरा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करने का। अभी अभी कपड़े धोए हैं, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा टाइम। और यहाँ भी एक दिन कपड़े आप यहाँ से लेके आएंगे, ये ऐसे छू नहीं सकते इन रोटियों क्योंकि खाने पड़ जाते हैं। कहते हैं कि आपको गाड़ी या कोई आप स्कूटी या फिर गाड़ी है तो आपको हमेशा हेलो दोस्तों, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो आज इस ब्यूटीफुल से डे की शुरुआत हो रही है अपनी किचन से। और देख सकते हो आपकी, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दो तीन दिनों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आज इतना अच्छे धूप आई है। और ये धूप कोई मामूली धूप ही है, ये अपने साथ बहुत ही विटामिन लेके आई है क्योंकि आज से मेरे को थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। तो लग रहा है कि ठंड आ चुकी है। अभी थोड़ा मेरा नाक भी थोड़ा वो है, बंद बंद सा है। और कहते हैं कि जब कोई नया मौसम चेंज होता है तो आप बीमार होने लगते हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो उसी प्रिकॉशंस को ना लेके अभी मैं थोड़ा बीमार बीमार सा लग रहा हूँ। तो भी मैं थोड़ा आपको बाहर का मौसम चेकआउट करवाता हूँ पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरी ग्रीनरी और धूप, कितने अच्छे बादल है। तो ये सीन्स हैं। तो अभी प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ आई स्पेंड माई संडे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ किचन में। आज मैं बना रहा हूँ संडे को आलू के परांठे। सबसे पहले आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं। गाइस, दिस इज माय कुकर एंड इसके अंदर है पोटैटोस जो कि उबल चुके हैं। और आटा मेरा गुन के तैयार है क्योंकि मैंने 2-3 परांठे बनाने। तो अभी बनाते हैं हम इसको, आलू को क्रिस्प करके इसका जो मटेरियल है वो तैयार करते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों। परांठे मेरे बनके तैयार हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, पूरे मतलब होटल वाली फील आ रही है। तो बिल्कुल ही गोल बना है। साथ में मैंने प्रिंस भाई से ये दही लिया और साथ में मैंने बटर लगाया हुआ है। अब आएगा खाने का पूरा मज़ा। अभी मेरा ये इकट्ठा ब्रेकफास्ट और लंच हो रहा है क्योंकि अभी सुबह की 11 बज रहे हैं और ये मेरा एकदम ब्रंच हो रहा है। तो अभी जल्दी से खाते हैं। लिटरली मैं ये स्टेप करता नहीं हूँ बट अभी परांठे मेरे बड़े टेस्टी बने हुए हैं, तो ये वाला स्टेप तो मतलब बनता है। ऐसे चक करो और मजा आ गया। आज ना लाजवाब परांठे बने, लाजवाब, मतलब मेरे को मजा आ गया आज तो। दोस्तों मजा आ गया परांठे खा के। मैंने 2.5 परांठा खाए हैं और अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि कपड़े धोने, मैंने कपड़े भी जब जब कपड़े होते हैं धोने लायक, मतलब जब निर्मा उर्मा थोड़ा रचेगा में, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आई एम कीन टू क्लीन माई वाइट शेडो। तो जल्दी से बाल्टी में पानी भरते हैं और पानी में बाल्टी भरते हैं और उसमें निर्मा डाल देंगे, फिर चलते हैं अपनी व्हाइट शेडो के पास और उसको धोते हैं। लेट्स गो। अदर बकेट ऑफ वाटर एंड हम वहाँ पे कहते, वो दिख रही होगी आपको मेरी व्हाइट शेडो। साथ में प्रिंस भाई ने अपनी स्कूटी को धो दिया है, तो अब मेरी बारी है, जल्दी से धोते हैं। बढ़िया धूप वगैरह आ गई है तो अभी वॉश करेंगे हम इसको। बड़ा टाइम हो गया यार इसको धोए हुए और धुलाए हुए, आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। व्हाइट शेडो मेरी धुल चुकी है और कहते हैं कि आपको गाड़ी या कोई भी स्कूटी आपके पास गाड़ी है वो आपको हमेशा धूप में धोनी चाहिए। तो आई एम फील लकी कि आज धूप आई है और तभी मैं धो पाया हूँ। तो अभी देखो थोड़ी चमक तो गई है, थोड़ी बहुत तो इसमें शाइनिंग आ ही गई है। थोड़े थोड़े से ऐसा होता है जिसमें थोड़े थोड़े जो स्क्रैचेस लगे हैं ना वो दिखते हैं। ये मैं करूँगा स्किन का इलाज करूँगा, अभी नहीं करूँगा। जब अभी दीपावली की छुट्टियाँ होंगी ना तब
इन स्क्रैचेस का कुछ करना पड़ेगा। और ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिलहाल इसको देते हैं सूखने के लिए और ये देखते हैं कि अगले कैसी इंच है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब ऊपर और अब कपड़े धोने की बारी है, तो जल्दी से कपड़े वगैरह धोते हैं फिर नहाना भी अभी। चलिए ये है लड्डू मारा और ये कुछ दिन पहले बीमार हो गया था, हाँ आजा। और अभी इसको नहलाया है तो उसको ठंड लग रही है, इसको धूप में बिठाना पड़ गया, यहाँ आजा आओ ले। ऐसे छू भी नहीं सकता इन रोटियों क्योंकि ये खाने पड़ जाता है। और तो चलिए ये देखो अपनी वाइट शेडो धुल के हो चुकी है बिल्कुल टीचम टीच। और अभी मैंने कपड़े वगैरह धोने हैं, थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 12:30 हो रहे हैं, तो जल्दी से अब चलते हैं अपने बाथरूम में और कपड़े वगैरह धोते हैं। और अभी लिटरली मेरे को याद आया है कि क्या याद आया है, लाइट ऑन कर लेते हैं, कि मैंने कुछ कपड़े धोए थे जब बारिश हो रही थी कल और यहाँ पर मैंने फेंके हुए हैं, अब इनको सूखने के लिए डाल देते हैं क्योंकि धूप आई है बड़ी अच्छी। रियली टायर्ड गाइस, अभी अभी कपड़े धोए हैं, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है टाइम। और यहाँ पे एक देखो कपड़े आप यहाँ से लेके आए, ये और साथ में मैंने अपनी चादर वगैरह भी धो दी और साथ में ये अपने शूज, और धूप बड़ी अच्छी लगी हुई है आज। अब मैं जल्दी से सारे काम खत्म करते हैं, नहाते हैं और फिर करता हूँ मैं आपसे बात। हाँ ना, मेरा हो चुका है दोस्तों, तो अब एक जरूरी काम बच चुका है जो कि जिसके लिए मैं यहाँ पे हमीरपुर में आया हूँ, अपने घर से दूर आ रहा हूँ। वो क्या है, वो है पढ़ाई। काम मैंने सारे कर लिए, सफाई मेरी हो गई, किचन की सफाई हो गई है और कपड़े मैंने धो दिए हैं और अपनी स्कूटी वगैरह सब कुछ हो गया है। अब रहा है एक स्टडी करना, सो मैं सकता नहीं क्योंकि अभी 1:30 बजने वाले हैं, अभी मतलब बजने वाले हैं, 5 मिनट रहे हैं, तो अब जल्दी से स्टडी करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि अगले सीन्स क्या है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे कुछ घंटों बाद। हम अभी हो चुकी है और हम कपड़े वगैरह उठा लेते हैं, तो आजकल ठंड में तेल वगैरह पड़ती है तो उससे फिर से गिल्ले हो जाएंगे। अरे यार तो ये तो गिल्ली है, ये इसी पे सूख चुकी है। तो 5:30 हो चुके हैं और आज अभी मेरा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करने का, तो कुछ ऐसी लोकेशन पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। अरे शाबाश, कट्टा कट्टा तैयार है मेरा बिस्तर लग के, और फैन का कोई काम नहीं रहा क्योंकि ठंड आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो मैं फैन चलाता नहीं हूँ और आजकल मैं नीचे सोता हूँ मतलब गर्मियों के दिन में। और एक्चुअली जब थोड़ी मतलब ठंड आ जाएगी तब मैं बेड पे सोना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, एंड ये थी मेरी आज की सारी एक्टिविटीज, मैं कैसे अपने हॉलीडे और अपने डे को स्पेंड करता हूँ, आई होप आपने इसको एंजॉय किया हो। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।